आपने पिछली लोकसभा चुनाव का भी उनका जो था शक्ति प्रदर्शन था, रोड शो था, नामांकन के पहले वो भी देखा होगा, लेकिन क्या आपने पिछले शक्ति प्रदर्शन में ऐसी एकजुटता कांग्रेस के नेताओं के बीच में कांग्रेस में देखी थी जो अभी नजर आती है? नहीं, ये तो सही कहा आपने कि ये ऐसी एकजुटता कांग्रेस में तो कभी नहीं दिखती। कांग्रेस में हम जानते हैं कांग्रेस में कार्यकर्ता कम नेता ज़्यादा हैं, और मध्य प्रदेश कांग्रेस तो अपने नेताओं के लिए ही जानी जाती थी। कमलनाथ, सिंधिया, दिग्विजय सिंह वगैरह वगैरह से तीन चार गुट होते थे, अब अभी तक बने हुए हैं। मगर बीजेपी तमाम इस गुटबाजी को एक लाइन से धराशायी कर देती है, सारे गुट, और अब तो पूरे देश में कोई गुट नहीं बचा, एक ही गुट है, एक ही नेता है, एक ही मुद्दा है, वो एक नेता है मोदी, वो एक मुद्दा है राम मंदिर, भगवा, सनातन, और कुल मिला के सबको जीत है, सबको ज्यादा से ज्यादा सीट जीतना है और 400 का जो लक्ष्य है उस तक पहुंचना है। हालांकि बड़ा कठिन लक्ष्य है, मगर ऐसी छोटी छोटी सीटों पर इस तरीके से जो शक्ति प्रदर्शन होता है वो अपने आप में बीजेपी कार्यकर्ताओं को, देखिए मैं आपको बताऊं सुमित कि ये हो गुना शिवपुरी में रहा है, मगर पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता पूरे देख रहे होंगे, उससे इंस्पायर हो रहे होंगे कि हमारे नेता एक साथ हैं, एक गाड़ी में एक साथ जा रहे हैं, और क्या जलवा खिंचा हुआ। तो ये मैसेजिंग है पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को देने के लिए कि देखो हमारे नेता एक साथ हैं और किस तरीके से शो कर रहे हैं, और पूरी जनता, पूरे कार्यकर्ता, जैसे कल ही हमने मोदी जी का इंटरव्यू था ना, मोदी ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि चुनाव तो एक उत्सव होता है, उत्सव के रूप में मनाना चाहिए, तो एक उत्सव का पार्ट है। उत्सव का पार्ट, बिल्कुल ठीक बात की, उत्सव का पार्ट है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया शोमैन, इसे एंजॉय करते हैं, इसे जीते हैं। बिल्कुल ठीक बात कही आपने ब्रजेश जी।